मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार तो गिरा दी है, लेकिन अब उनके सामने भी अपने लोगों को जोड़े रखने का संकट खड़ा हो गया है। खबर है कि सिंधिया खेमे से जुड़े लोग टूटकर कांग्रेस में न जाएं, इसके लिए सिंधिया खुद एक एक नेता से संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा झटका देकर सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब उन्हें भी डर है कि कहीं उनके समर्थकों ने कांग्रेस सेंध मारी न कर दी। इसलिए सिंधिया अब ऐसे छोटे बड़े नेताओं से खुद संपर्क कर रहे हैं जो वक्त के साथ पाला बदल सकते हैं। भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब स्वयं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को फोन कर उनके साथ ही बने रहने की बात कह रहे हैं। सिंधिया को इस समय दिग्विजय सिंह से सबसे ज्यादा खतरा है। एक फोन रिकॉर्डिंग इस समय वायरल हो रही है जिसमें सिंधिया की बातचीत मुरैना के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुरारी लाल खस से हो रही है। इसमें सिंधिया कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के साथ मत चले जाना, सिंधिया की ताकत ग्वालियर चंबल इलाका ही है, भविष्य में सबसे अधिक सीटों पर ग्वालियर चंबल अंचल में ही उपचुनाव होने हैं। मुरारी महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, कैसे हो? आशीर्वाद महाराज, आशीर्वाद आपको महाराज। तो ठीक है, हाँ सब ठीक है, बढ़िया महाराज। हाँ, अब जोड़ी सलामत रहनी चाहिए, तुम्हें उधर मत घटना, समझ गए? सीधा मेरे साथ तुमको जुड़ना है। हाँ महाराज, सलामत रहे जोड़ी, आप बिल्कुल निश्चित महाराज सलामत रहेगी। हाँ बिल्कुल, इधर उधर दिग्विजय सिंह और राकेश मावी के मामले में नहीं जाने का है। नहीं, नहीं, जी वारा, जी वारा, नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है, मुरारी से अभी उसे शेखर से बात करके लॉकडाउन खुलते ही तुम लोग आके मिल लेना मुझे। जी वारा, जी वारा, जी वारा, जी वारा, ठीक है। हाँ वारा, अभी बहुत मेहनत तुमको करनी है। हाँ वारा, आशीर्वाद बनोगे आपका, जी वारा, जी वारा, ठीक है, ठीक है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।